अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत की, इस अहयाउल उलूम के दर्स के शुरुआती यानी दिन से ही, पहले दिन से ही हम इस आयत को पढ़ रहे हैं। मीनिंग इसकी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम में से बेशक तुम में से वही लोग अल्लाह ताला से ज़्यादा डरते हैं जो इल्म वाले हैं। फिर हमने इल्म की तफसीर सुनी कि इल्म हकीकत में कौन सा होता है। इल्म आखिरत, जिसको हम हासिल करने की और जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि हम अहले सुन्नत औलिया इकराम से मोहब्बत रखते हैं, दावाई सही लेकिन मोहब्बत रखते हैं, सहाबा इकराम की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो हम उनकी अजमतों को समझते हैं। उनकी अजमत भी इसी इल्म आखिरत की वजह से थी। तो अगर हम चाहते हैं कि उनका नक्शे कदम पर हम चलें, जो दिन रात हम नमाज़ों में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, तो उनका रास्ता यही इल्म आखिरत और अमल आखिरत है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला उसके ताल्लुक से हम सुन रहे थे। कल हमने जो है वो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या, एक तवील वाक़या सुना कि वो शहर में गए, फिर उसके बाद बगदाद गए, उसके बाद मदीना गए, तीन जगह गए, तीनों जगह के वाक़यात हमने सुने, उसको शॉर्ट में हम सुनेंगे। और उसके पहले आपने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह की, वो शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुरीद हैं, उनकी आठ बातें जो उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में 33 साल के अंदर सिर्फ 8 मसले सीखे, वो 8 मसले भी हमने सुने, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए उन 8 मसलों को भी दोहरा लेते हैं। पहला मसला क्या था कि हर शख्स किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत करता है, तो मैंने नेकियों को अपना महबूब बना लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अल्लाह तबारक ताला का खौफ जो शख्स रखता है, अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। तीसरा, जो भी कुछ दुनिया से हमारे पास आए उसको अल्लाह के यहाँ पर जाकर मैं महफूज कर देता हूँ, यानी दुनिया में जो कुछ अपना माल है, जिसको हम अपना माल समझ के उससे मोहब्बत करते हैं, तो वाकई अगर वो मोहब्बत हम करते हैं उससे, तो हम चाहते हैं कि वो हिफाजत में रहे, तो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो हम उसको उसको अल्लाह ताला के पास भेज देता हूँ ताकि वो महफूज हो जाए। चौथा हमने मसला सीखा था तकवा, अल्लाह ताला का तकवा जो शख्स इख्तियार करे वो अल्लाह ताला के यहाँ मुअज्जज़ होता है, इज़्ज़त वाला, यानी अगर इज़्ज़त से हर कोई शख्स मोहब्बत करता है, दुनिया में लोग इज़्ज़त चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से ज़्यादा खौफ रखता है। पांचवी चीज़ थी हसद ना रखना, है ना, जो शख्स किसी से हसद रखता है यानी वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं, क्योंकि हम किसी शख्स की किसी क्वालिटी या उसके माल से अगर हसद करते हैं या उसके किसी भी बेहतरी, उसकी किसी खूबी से मोहब्बत जलते हैं, तो वो खूबी उसके रब की दी हुई है, तो उसका रब जो तुम्हारा भी रब है, जो उसको ये खूबी देने पर या उसको ये माल देने पर या उसको दुनिया में ये फौकियत देने पर जो है राज़ी है, तो तुम राज़ी नहीं हो, यानी तुम अल्लाह की रज़ा के मुखालिफ, है ना। तो मैंने सीखा कि हसद नहीं करना चाहिए। छठी चीज़ मैंने सीखी कि दुनिया में अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो शैतान है, तो मैंने शैतान से दुश्मनी कर ली। और बाकायदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो इससे इसे अपना दुश्मन समझो। लोग कहते तो हैं कि यहाँ शैतान हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन उसको समझते नहीं। हम जिससे जिसको समझते हैं अपना दुश्मन, उससे कैसे अलर्ट रहते हैं? जिसको अपना दुश्मन समझते हैं उससे कितना अलर्ट रहते हैं? सुबह सुबह उठेंगे तो जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे देखते पड़ोसी के यहाँ
या आज इसने कचरा तो नहीं मेरे घर के आगे फैला दिया, क्योंकि हम उससे दुश्मनी रखते हैं। तो हम सुबह उठ के सबसे पहले उसको चेक करते हैं। तो हम शैतान को कभी ऐसे ही चेक करते हैं क्या? शैतान के मामलात को भी अपने ताल्लुक से ऐसे इससे ज़्यादा चेक करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी तो तुम्हारे घर के बाहर कचरा डालेगा और शैतान तो एनी टाइम आपके दिल में कचरे फेंकता रहता है। तो उसका ध्यान रखना हमको ज़रूरी है। और सातवीं चीज़ कहते हैं कि रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से है, मैंने इस चीज़ को सीखा। और आठवीं चीज़ कि अल्लाह तबारक ताला पर भरोसा किया, उसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं। तो ये आठ चीज़ें उन्होंने मसले सीखे। और ये सब का सब मैंने आपको क्या बताया था, ये इल्मे आखिरत के चैप्टर्स हैं। इस हर चैप्टर में आप मेहनत करो, इसमें आपको अल्लाह ताला मार्क्स अता फरमाएगा, नंबर। इसमें जितने ज़्यादा परसेंटेज आपके मार्क्स होंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक जन्नत में आपका मकाम तय होगा, कि आप सी में हैं या बी में हैं, ए में हैं, ए प्लस में हैं या डिस्टिंक्शन में, समझ में आया? वो आपके अमल पर रहेगा इंशाल्लाह ताला। फिर हमने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक्या सुना कि वो हज़रत अब्दुल्ला ख़ास रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिकायत है कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। वो फरमाते हैं कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन रे गए, रे वहाँ जब गए तो वहाँ पर जिस शख्स के पास वो यानी मेहमान बनकर गए थे, तो वो शख्स कहने लगा कि वक्त के जो काजी हैं यहाँ के, इब्ने मकातिल उनका नाम था, उन्हें वो बीमार हैं तो मैं उनकी इयादत को जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इब्ने मकातिल आलिम है, एक आलिम की ज़ियारत इबादत है, और फिर कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमारी की इयादत करना ये भी इबादत है, तो तुम जा रहे हो तो चलो मैं भी चलता हूँ। तो जब गए इन्होंने सुना कि वो आलिम है, आलिम आखिरत है, यानी आलिम दीन है, आलिम दीन मतलब आलिम आखिरत, तो उन्होंने यही समझ के गए कि आलिम दीन है तो आलिम आखिरत होगा, समझ रहे ना पूरा वाक्या? जब गए तो देखा कि बड़ा महल, अच्छा घर, और घर के अंदर सब बहुत सारा माल और दौलत, तभी उनका यानी जहन जो है उनसे बदजन हो गया, है ना। तो जब वो गए उनके करीब पहुँचे तो देखा इब्ने मकातिल बहुत अच्छे बिस्तर पर गद्दे वगैरह लगा के उस पर लेटे थे, तो उनके सिराने बैठ गए, बातचीत करने लगे, तो इन्होंने उससे मुँह फेर लिया। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं बात करते? तो उन्होंने बात करना शुरू किया और कहा आपने इल्म कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस से। बोले कुरान हदीस में जो इल्म है वो कहाँ से आया? तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया? तो कहा कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहुँचाया, है ना। तो कहा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ऐसा महल था? कहा नहीं था। बोले सहाबा इकराम का था? नहीं था। तो जब उनके ऐसे ऐशो इशरत के सामान नहीं थे तो तुम तो आलिम दीन हो, तो तुमने कुरान हदीस से क्या सीखा? ये सारी ये वाक्या एक उनका था। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, रे से चले गए, बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। फिर बगदाद का वाक्या था कि जब आप बगदाद में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, बगदाद का भी वाक़या है, लेकिन मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर लोगों के बड़े बड़े मकान देखे उन्होंने, बड़े बड़े मकान। तो मदीना शरीफ में जब उनके बड़े बड़े मकान देखे तो उन्होंने कहा कि ये किसका शहर है? कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। तो बोले हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकान यानी वो कहाँ है, महल कहाँ है? और सहाबा इकराम रहते थे उनका महल कहाँ? तो बोले उनके तो महल नहीं है। तो बोले फिर तुम्हारे महल कैसे हैं? तो ये जब हुजूर अलैहिस्सलाम का शहर है या फिरौन और कारून का शहर है? क्योंकि ये जो घर आलीशान महल वगैरह ये तो फिरौन और कारून बनाता था, तो तुमने उनसे क्या सीखा? तो ये सारी चीज़ें सिखाने की थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, बगदाद गए उसके बाद, तो बगदाद के लोगों ने उनसे कहा जब मिलने आए तो कहा हज़रत आप लोगों को बड़ा मुँह तोड़ जवाब देते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, आपने सुन तो चुके हो सब। बगदाद तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोग आपसे मिलने आए और कहा हज़रत आप बहुत लोगों का जवाब बहुत अच्छा देते हैं। बोले वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि तीन चीज़ें जो मैं करता हूँ तो जिसकी वजह से लोगों का जवाब दे पाता हूँ। बोले वो कौन सी चीज़ें? कहा मैं लोगों की जिहालत से दरगुजर करता हूँ। जाहिल शख्स होता है उसकी जिहालत से दरगुजर करता हूँ कि वो जाहिल बने कर रहा है उसको उसके हाल पर
छोड़ दो, हम लोग परेशान होते ना, अरे लोगों को कहो इज्तिमा की दावत दो तो मजाक उड़ाते हैं, ऐसा करते हैं, ये जिहालत है। तो जिहालत से दरगुजर करो, उसका तुम खौफ मत करो, बल्कि तुम उस पर भी सब्र करोगे तो अल्लाह तबारक ताला उसका भी अजर अता फरमाए। और कहा कि उनके साथ जिहालत से पेश ना हो, पहले तो उनकी जिहालत माफ़ कर दो, फिर जिहालत के बदले में जिहालत से पेश ना हो। तीसरा, और उनको कुछ दे दो, ये मेरा तरीका है। तो इस वजह से किसी भी शख्स के ऊपर जो है मैं गालिब आ जाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये हमने हज़रत हातिम असम, हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का मामला सुना। अब इंशाल्लाह ताला इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने तकवा के चंद मसाइल सिखाया। तकवा यानी अल्लाह का खौफ, इसको डिटेल में आज सुनेंगे। आज का टॉपिक क्या है? तकवा। और तकवा ये एक, मैंने आपको कहा था ये एक चैप्टर है, कहा था ना, तकवा यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरना है ना। और अल्लाह से जब कोई शख्स डरता है तो क्या करता है? गुनाहों से बचता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकियाँ करता है, आखिर की तैयारी करता है। तो ये एक चैप्टर है, आप याद रखें, हमेशा आप अपने अंदर अल्लाह ताला का जो खौफ है उसको मापते रहें, तोलते रहें कि इसका वज़न कहीं कम तो नहीं हुआ, इसकी मिकदार कुछ कम तो नहीं हुई। तो पहले समझना पड़ेगा कि तकवा किसे कहते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस सिलसिले में तहकीक ये है कि मुबाह चीज़ों से जीनत इख्तियार करना हराम तो नहीं, लेकिन इन चीज़ों में बढ़ाने से इनसे मोहब्बत हो जाती है। मुबाह चीज़ें किसको कहते हैं? हराम चीज़ें किसको कहते हैं? जो अल्लाह ताला ने हराम कर दी, हुरमत वाली चीज़ है ना, हराम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जायज़ तो होती हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मना किया गया। तो जो चीज़ जायज़ है उसको, जैसे भी बिरयानी खाना, अच्छे खाने खाना, महंगे कपड़े पहनना हराम है क्या? महंगे कपड़े पहनना, आपने, मैंने अगर 100 रुपये वाला ख़रीदा, आपने 1000 वाला ख़रीदा, आपने कुछ हराम काम किया? नहीं। लेकिन ये मुबाह है, इसमें ना कोई सवाब है ना कोई गुनाह है, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना ये तकवा है। कहते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुबाह चीज़ों से जीनत इख्तियार करना हराम तो नहीं, लेकिन इन चीज़ों में, इन चीज़ों को बढ़ाने से इनसे मोहब्बत होने लगती है। तो जब इसको कम करेंगे तो इनकी मोहब्बत दिल में नहीं आएगी, हत्ता के एक वक्त आता है कि फिर उसका छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमने अच्छे कपड़े वपड़े पहनना शुरू किया, अच्छी स्टाइल में रहना शुरू किया, हमने हेयर स्टाइल वगैरह अपनी बना ली, अब अगर कोई कहे कि आप चेंज करो तो तकलीफ़ होगी। लेकिन पहले से ही हम सिंपल रहते थे, उसके बाद जब हमने पहली मरतबा इज्तिमा में सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम का सुन्नत का लिबास ऐसा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम ऐसे अपने जुल्फ़ें रखा करते थे, तो हम भी उसमें ढल गए, क्योंकि हम कोरे कागज़ थे, हम पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम का नाम लिख दिया गया। लेकिन जिस पर पहले से ही कागज़ पर कुछ लिखा हो तो उस पर लिखने के लिए पहले मिटाना पड़ता है, तो वो तकलीफ़ होती है। इसलिए हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के रंग में रंग जाए इंशाल्लाह। कहते हैं जब उसकी आदत पड़ जाती है फिर उससे मोहब्बत होने लगती है, और हमेशा के लिए मुज़य्यन रहना यानी हमेशा सजे सवरे रहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसके असबाब हासिल ना हो। हमेशा ठाट बाट में रहना, दुनियावी लिहाज से ठाट बाट में रहना हमेशा इंसान के लिए मुमकिन होता है क्या? उसके मुमकिन रहने के लिए क्या करना पड़ता है? माल होगा तब आप बन ठन के रह पाएंगे, है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऊपर के ड्रेस बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर की बनियान, अंदर की अंडरवियर और जूते के अंदर के मोज़े फटे होते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो जो चीज़ छुपी है वो चला लेता है। हम लोग भी जब स्कूल में जाते थे बचपन में तो एड़ी से मोज़ा फट गया होता था, लेकिन क्योंकि वो दिखता नहीं है तो मोज़े पहन लेते, ऊपर से तो दिखता है ना, और ऊपर से जूते अच्छे रहते थे। इस तरीके से काम चलाते तो काम चलाने वाले को फिर चलाना पड़ता है। तो कहते हैं हमेशा सजे सवरे रहना, और मुबाह चीज़ों में जब तुम ज़्यादती कर लो तो फिर उसको बनाए रखना जब तक मुमकिन नहीं होता, जब तक वो माल हासिल ना करे, उसके असबाब हासिल ना करे। और इनके हुसूल के लिए आम तौर पर फिर वो गुनाहों का इर्तिकाब भी कर बैठता है। पैसे ज़्यादा चाहिए तो पैसे ज़्यादा के लिए आदमी जब कश्मकश में रहता है तो कभी कभी हलाल हराम की तमीज़ नहीं कर पाता। मसलन मुनाफिकत, लोगों की जायज़ व नाजायज़ में रियायत करना, रियाकारी और उसके अलावा दीगर मना की हुई चीज़ों में मुब्तिला हो जाता है। लिहाजा अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा,
मुबाह से शुरू किया था, हराम पर पहुंच गया। इसलिए मुबाह को ही छोड़ दो ताकि हराम पर तक जाने की जो है नौबत नहीं आए। इसीलिए अभी देखो बात कितनी छोटी सी है कि हम कम से कम में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़्यादा शौक नहीं पालेंगे, तो इंसान सोचता है हाँ देखेंगे इंशाल्लाह, अच्छा अमल है हुआ तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई हराम थोड़ी है, तो आप खुद ही कह रहे हैं हराम थोड़ी है, है ना। लेकिन ये चीज़ हराम की तरफ ले जाती है। और एक बात याद रखना, सिर्फ हराम की तरफ नहीं लेके जाती बल्कि आपकी ज़िंदगी का सुख और चैन और सुकून भी छीन लेती है। आज ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पीपल्स जो है वो सिर्फ अपने रोज़ी रोटी के लिए परेशान नहीं है, वो अपने ऐशो इशरत के सामान जमा करने के लिए परेशान है। घर अच्छा चाहिए इसलिए परेशान है, कपड़े अच्छे चाहिए इसलिए परेशान है, पढ़ाई स्कूल कॉलेज अच्छे स्कूल कॉलेज में कराना है इसलिए परेशान है, तो इन चीज़ों के लिए लोग परेशान हैं। अच्छा मोबाइल ख़रीदना है इस वजह से परेशान है, वरना परेशानी अगर इंसान ये सारी चीज़ें अगर कम कर ले तो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। तो कहते हैं लिहाजा एहतियात यही है कि इन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब किया जाए, बचा जाए। बचेंगे सिर्फ बोलना नहीं, अमल करना है। इसके लिए मैं यहाँ आकर आपको रुक कर आपसे मैंने एक्सेप्ट करा लिया कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम इन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब करें, सादा ज़िंदगी जियेंगे ना इंशाअल्लाह, अच्छी लेकिन सादा, ठीक है ना। कपड़े पहनेंगे लेकिन साफ़ सुथरे और अच्छे, है ना, महंगे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना इंशाल्लाह। और महंगी की मैंने तारीफ बताई थी, वो 10 रुपये वाला और 12 रुपये वाला, वो याद रखना भाई, उसमें ऐसा मत करना कि 10 वाला ख़रीद लो जो 20 में पड़े, ऐसा ना हो जाए। कहते हैं इसलिए इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जो मुबाह ही क्यों ना हो, क्योंकि जो शख्स दुनियादारी में मशगूल होता है वो इससे कतन बच नहीं सकता। अगर इसमें मशगूलियत के बावजूद सलामती हासिल होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया को छोड़ देने के बारे में बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलते, मुबालगा ना करते। यानी सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, इतना ज़ोर नहीं देते कि दुनिया छोड़ो दुनिया छोड़ो, क्योंकि दुनिया छोड़ने ही में सलामती है। आप दुनिया में घुस कर और जैसे कुएँ में गिर कर कोई पानी से बच सकता है, कुएँ में गिरोगे तो गीले तो हो गई, है ना। तो आप कहोगे कि मैं कुएं में कूद भी जाता हूँ लेकिन पानी भी टच नहीं होगा, आप बेफिक्र हो। कैसे बेफिक्र रहे, कुएं में गिरा है तो गीला होकर ही निकलेगा, है ना। तो सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबालगा ना फरमाते, हत्ता कि आपने वो कमीज उतार दी जिसमें नक्श और निगार थे। सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुब्बा पहना था कि तोहफे में किसी ने दिया था, जिसमें कुछ नक्श निगार बने हुए थे, ठीक है। तो जब सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे तो उस नक्श निगार पर निगाह पड़ी, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के फौरन बाद अपना वो जुब्बा चेंज कर दिया। लोगों ने पूछा तो सरकार ने फरमाया इस पर नक्श निगार बने हुए, इस पर मेरी नज़र गई। हदीस का मफहूम है, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ। तो सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदल दिया और हम इतने नक्शो निगार करते हैं कि लोगों को देखने में अच्छा लगे। क्या नक्शो निगार में रखा है, कपड़ों पे नक्शो निगार होने से कोई क्या देखेगा, आपके नक्शो निगार देखकर क्या करेगा, अरे इसको मैं अपना आइडियल बना लेता हूँ, इसका फ़ोटो घर में लगा लेता हूँ, ये जैसे कपड़े पहन रहा है वैसे, और जब ये आएगा तो मैं इसको सलाम करूँगा, झुक के सलाम करूँगा, इतना होता है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों हम परेशान रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। वो अपने नक्शो निगार दिखाने के चक्कर में, आप अपने नक्शो निगार दिखाने के चक्कर में, दोनों अपने अपने आप में पड़े हैं और ये नक्शो निगार धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ने के बारे में मुबालगा ना फरमाते, हत्ता कि आपने वो कमीज़ उतार दी जिसमें नक्शो निगार थे, और खुतबा के दौरान सोने की अंगूठी भी उतार कर फेंक दी। जब सोना हराम नहीं हुआ था तो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी पहनी हुई थी कि जो सोने की थी, तो खुतबा दे रहे थे हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुतबे के दौरान सरकार ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। इसके अलावा रिवायत में जिनका बयान अनकरीब आएगा इंशाल्लाह, ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं, एक वाक़या बयान किया गया है कि यहया बिन यजीद नौफली ने हज़रत मालिक बिन अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु को लिखा, समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अव्वलीन और आखरीन में रहमत हो, ये ख़त यहया बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से हज़रत मालिक बिन अनस की तरफ है, हमदो सना के बाद मुझे खबर पहुंची है, ये लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, हमदो सना के बाद मुझे ये खबर पहुँची है कि आप बारीक कपड़े पहनते हैं।
सोचो, एक साहबी दूसरे साहबी को वो लेटर लिख कर भेज रहे हैं कि मैंने, साहबी नहीं, वो एक साहबी है और दूसरे जो है ना वो ताबई हैं, उनको लेटर लिख कर भेज रहे हैं। हम लेटर कब लिखते हैं या मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था, उनको खबर मिली। सोचो उनको खबर पहुंचाई गई। यहाँ अगर कोई घोटाला करता है या कुछ गलत काम करता है तब उसकी खबर पहुंचाई जाती है कि फला फला ने ऐसी गलत काम की, तो फिर ऊपर से एक्शन होता है ना। लेकिन इनको जब ये बात खबर पहुंचाई गई कि वो बारीक कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने लेटर लिखकर भेजा, कहा कि मैंने सुना है, मुझ तक ये बात पहुंची है कि आप बारीक कपड़े पहनते हैं और चपाती खाते हैं। चपाती कहते हैं रोटी जो पतली वाली होती है ना, पहले के ज़माने में जो है ना वो रोटी जो है वो जौ के आटे की भूसी की मोटी सी रोटी, खाली बस बना के पेट भरना है उसके हिसाब से बना देते थे, और अब बेल कर अच्छे से पतली बनाते हैं, तो फिर वो खाने में भी उसकी का जायका रहता है, तो उसको चपाती कहते हैं। तो रोटी में और चपाती में फ़र्क होता है। तो कहा कि मैंने सुना है आप बारीक कपड़े पहनते हैं और चपाती खाते हैं और नरम जगह पर बैठते हैं, ये देखो हम बैठे हैं उनके यहाँ पर, अभी सब मुबाह चीज़ें हैं, लेकिन उनके वो इससे भी परहेज करते थे। कहते हैं कि और मैंने सुना है कि आप नरम मसनत पर बैठते हैं, आपके दरवाजे पर दरबान भी खड़ा रहता है, यानी आपके दरवाजे पर वॉचमैन रहता है कि किसी को अंदर आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। पहले के जितने भी सल्फ सालीन थे जिनको वक्त का गवर्नर वगैरह बनाया जाता था, खलीफा बनाया जाता था, वो कभी भी अपने घर के बाहर दरवाजे पर दरबान खड़ा नहीं करते थे, ताकि हर खास व आम कभी भी आकर उनसे डायरेक्टली इजाज़त लेकर मिल सके। अगर कोई गरीब आदमी आया और दरबान खड़ा है, दरबान की अकल कमी होती तभी तो दरबानी कर रहा है, दरबान की अकल कम नहीं होती तो उसको दरबानी क्यों, उसको दरबानी नहीं, उसको काजी का दर्जा दे दिया जाता, उसको दरबान इसलिए बनाया था क्योंकि अकल कम होती। हो सकता है वो किसी को आने की इजाज़त दे किसी को ना दे, है ना, हो सकता है किसी ऐसे को आने से मना कर दे कि जिसका आना बहुत ज़रूरी था। तो पहले जो अल्लाह वाले थे वो अगर वक्त के कुछ किसी उस पर ओहदे पर होते तो अपने घर में आने के लिए घर के बाहर दरबान खड़ा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, बारीक कपड़े पहनते हो, चपाती खाते हो, नरम मसनत पर बैठते हो, घर पर तुम्हारे दरबान खड़ा रहता है, हालांकि आप मजलिसे इल्म में तशरीफ़ फरमा है, आपने इल्म की मजलिसें अटेंड की हैं, फिर आप ऐसा सब कैसे कर सकते हैं। यहाँ सब हम इल्म सीख रहे हैं उसके बावजूद भी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। लोग आपके पास आते हैं, उन्होंने आपको अपना इमाम तस्लीम किया है और आपके कलाम को पसंद करते हैं, तो ए मालिक अल्लाह ताला से डरें, तवाज़े इख्तियार करें, छोटापन लाओ अपने अंदर, और मैंने आपको नसीहत भरा खत लिखा है जिसके बारे में अल्लाह ताला के सिवा किसी को इल्म नहीं। मैंने जो तुमको नसीहत भेजी है, ये मैंने भेजी है, अल्लाह के सिवा ये कोई जानता नहीं। ये सारे खत जो हैं ऐसे लोगों के विसाल के बाद मंजर आम पर आते हैं। जैसे इनका जब इंतकाल, ये इनका पर्सनल खत था, इनके पास सेफ रहता था, तो जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके जो वारिस जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाल कर देखी होंगी, तो ये फिर लोगों में मशहूर हुआ, तो ये किताबों में आया कि ऐसी ऐसी हिदायतें पहले के लोग दिया करते थे अपने गवर्नर्स को और अपने ओहदेदारान को। हजरत इमाम मालिक ने इनकी तरफ फिर रिटर्न एक खत लिखा, जवाबा खत और जवाब खत, बोर तो नहीं हो रहे ना, समझ में आ रहा है। उन्होंने कैसी कैसी हिदायतें दी, समझ में आया, नरम कपड़े पहनते हो, चपाती खाते हो, नरम मसनत पर बैठते हो और घर के बाहर दरबान खड़ा करते हो। तो उन्होंने जब इसका जवाब दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल और असहाब पर रहमत और सलाम हो, अम्मा बाद, मुझे आपका ख़त मिला, मेरे लिए ख़त नसीहत शफ़क़त और अदब का ज़रिया है। सुभान अल्लाह ताला आपको तकवा के नफ़ा से माला माल फरमाएँ और इस नसीहत का अच्छा सिला अता फरमाएँ। मैं अल्लाह ताला से तौफीक का सवाल करता हूँ, नेकी करने और बुराई से बचने की कुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। आपने जो ज़िक्र फरमाया कि मैं पतली रोटी चपाती खाता हूँ और बारीक कपड़े पहनता हूँ, दरवाजे पर दरबान भी है और नरम बिछौने पर बैठता हूँ, हम ऐसा करते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए किसने इस जीनत को हराम किया जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और
पाकीज़ा रिस्क, यानी उन्होंने कुरान की ये आयत बता दी कि खाओ और पियो जो अल्लाह ताला ने तुमको हलाल दिया है उसमें से, आयत उसके बदले में कि जब अल्लाह ताला ने हलाल किया तो कौन है जो हम पे हराम कर दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया भी है, वो भी एक आयत है कि और तुम में कौन है जो जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल की उसको हराम कर दे। ये जवाब में दो आयतें उन्होंने लिख कर भेजी। और बेशक मैं जानता हूँ कि इसको अपनाने की बजाय छोड़ना बेहतर है, आप यहीं ज़रूर लिखते रहा करें, हम भी आपके ख़त और किताबत जारी रखेंगे। वस्सलाम। इन्होंने इसका ये जवाब दिया। ठीक है, तो हज़रत मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इंसाफ मुलाहिज़ा कीजिए, उन्होंने एतराज़ किया कि उसको इख्तियार करने की बजाय छोड़ना बेहतर है। जानते हैं कि इसको छोड़ना ही बेहतर है, और फतवा दिया कि ये जायज़ है। फतवा क्या था? जायज़ है, लेकिन क्या कहा? बेहतर यही है इसको छोड़ना। इसमें शरीयत भी आ गई और तरीकत भी आ गई, है ना। शरीयत ये है कि जायज़ है, लेकिन तरीकत क्या है कि आपने वो तरीका इख्तियार किया जो सल्फ सालेहीन का तरीका है। तो उन्होंने दोनों बातें सच फरमाई हैं। तो हज़रत मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जो इस मनसब पर फाइज़ हैं, उन्होंने इस नसीहत को कबूल करने और एतराज़ करने में इंसाफ से काम लिया। तो उन्होंने मुबाह की हदूद को जानने पर अपने नफ्स को मजबूत फरमाया ताकि वो उन्हें मुनाफिकत दिखा दें और मकरूह और उमूर की तरफ तजावुज़ की राह पर न चलें। लेकिन दूसरे लोग इस पर कादिर नहीं, लिहाजा मुबाह चीज़ों के साथ लज्जत हासिल करने की तरफ मायल होने में बहुत बड़ा ख़तरा है। समझ में आ रहा है ना, है ना। इसका कुल माखज़ क्या है कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना अच्छा है। और देखो आजकल जो है ना, ये दुनियादारी के हिसाब से भी लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता है। और अच्छे अच्छे जो लोग आपने मोटिवेशनल जो है स्पीचेस वगैरह अगर देखी हो, और बच्चों की तरबियत कैसी करें, ये दुनिया के जो लोग हैं ना वो भी कहते हैं कि बच्चों को इनके सारे के साथ जीना सिखाओ, कम पैसे खर्च करने वाला बनाओ ताकि बच्चों की जो आगे माली हालत अच्छी हो। मैं कौम का नाम नहीं लेता, जो दुनिया के अंदर जो कौमें बहुत तरक्की कर रही हैं उन कौमों के बच्चों को देखो और उनको देखो कि किस तरीके से अपने बच्चों को तरबियत देते हैं। ऐसे लोग हैं, एक कौम है जो बड़ी मशहूर है, बड़े पैसे पानी में बड़ी आगे बढ़ रही है, वो अपने बच्चों को शुरुआत से ही, छोटे छोटे होते हैं तभी से वो उनको पैसा संभाल कर खर्चा करने के लिए देते हैं और उनको अपने कारोबार पर रखते हैं, अपने कारोबार पर बिठा कर रखते हैं ताकि उनको पैसे कमाने की जो है वो मशक्क़त समझ में आए कि कैसी मशक्क़त से पैसा कमाया जाता है। तो उसको खर्चा करने में फिर उनको तकलीफ़ होगी। बाप की कमाई पे तो हर कोई ऐश करता है ना, अपनी कमाई पर ऐश करो तो समझ में आए। दिन भर में मेहनत करके जब 100 रुपये कमाता है तो 120 रुपये की चीज़ खरीदने में उसको समझ में आता है कि पूरे दिन भर की कमाई मेरी चली जाएगी, तो फिर वो रुकता है। अब यही चीज़ बाप बताता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता। तो वो जब अपनी कमाई करता है तो उसको उसकी हकीकत समझ में आती है, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े करोड़ोंपति को देखा कि जब उनके बच्चे काम करने लायक होते हैं तो अपने पास नहीं बल्कि दूसरों के, अपने दोस्तों की कंपनियों में जो है 2-3 हज़ार पगार पर नौकरी पर रखते हैं। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जो कॉलेज में, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, उस वक्त उम्र क्या होती है, 16-17 18 साल की उम्र होती है। तो उस वक्त में एक दोस्त था मेरा, वो एक कपड़े की दुकान के अंदर सेल्समैन के तौर पर मिला। मैं चेंबूर गया अपने इलाके में तो वहाँ पर देखा एक कपड़े की, बोला अरे तू यहाँ पर, तो बोले हाँ यहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। बोला अरे तेरे अब्बा का तो बहुत बड़ा यानी कारोबार है। बोले हाँ वो मेरे अब्बा के दोस्त हैं, ये अब्बा ने यहाँ पर जॉब करने के लिए कहा है। मतलब कितनी पगार है, तो उस टाइम 3,000 उसकी पगार थी। 3,000 पगार पर उसको वहाँ पर 10-11 घंटे बैठना था। तो वो क्यों? ताकि वो सिखाएं कि देखो कैसी मेहनत लगती है पैसा कमाने। तो अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे जो है ना, ये सबको बोल रहा हूँ मैं, अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसों को भी जरा संभाल के खर्चा करें, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती है उसको कमाने में वो जानते हैं, तुम नहीं जानते। तुमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो बचाओ, ठीक है ना। अब मुझे भी, मेरे अब्बा बचपन में पैसे देते थे, 10th के बाद से पैसे लेना मैंने छोड़ दिया। काफ़ी दिनों तक पैसे वैसे लेता ही नहीं था, घर में अपने खाया पिया जो है, घर में तो सब कुछ रहता है तो क्या ज़रूरत है बाहर से खर्चा करने की। तो एक दिन अब्बा ने चेक करने के लिए 50 रुपये दिए, 50 रुपये दिए। बोले कि कुछ बाहर खाते होता नहीं है कि कुछ पैसा नहीं लगता है।
बोला नहीं नहीं लगता है, घर में खाते थे सब हो जाता, ठीक है चल 50 रुपये रख। वो चेक करने के लिए था, मुझे बाद में मालूम पड़ा, मुझे नहीं मालूम, 50 रुपये दिए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर बाद में पूछा और कुछ चाहिए, बोला वो 50 रुपये दिए थे ना है, खर्चा ही नहीं किया था। बोले अरे खर्चा नहीं किया, बोला कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो। खुश हो गए, बोले हाँ यानी इसका कोई फालतू खर्चा नहीं। जब मैं खुद अपना कारोबार करने लगा तब भी, कारोबार शुरू होने के 2-3 साल बाद तक भी 2 रुपये की चाय नहीं पीता था मैं बाहर से, ज़रूरत ही नहीं। जब घर में नाश्ता कर रहे, घर में खाना खा रहे तो फिर क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से बचाओ, करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ बताने की वजह यह है कि अब पैसे की वैल्यू अगर आपने अपने ये दुनियावी लिहाज से भी है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पाई पाई को तरस जाएंगे। ये दौर तो और ख़राब है, ये दौर इतना ख़राब है कि ये जो ज़रूरतें ऐसे मुँह खोल कर खड़े होंगी ना कि आप उसका मुँह नहीं भर पाएंगे। तो इस वक्त अगर आपने संभाला तो बाद में आपके काम आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमको फाइनेंशियली साउंड रहना भी बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम नहीं रहते तो कल किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के लिए। और वैसे भी आजकल ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ना चाहते हुए भी इंसान को बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करना पड़ता। अगर आज की तारीख में बंदा अगर ना खाए तो उसको घर का भाड़ा, अगर घर खुद का है तो उसको कम से कम मेंटेनेंस देना है, लाइट का बिल देना है, बच्चे लोगों के पढ़ने की फ़ीस देना है, ये सभी पकड़ लें तो उसके यानी जितना खर्चा होता है उतना ही ज़्यादा ये भी रहता है, आधा आधा हो गया है। ना खाओ, मुंह पे ताला लगा के बैठ जाओ तब भी आपको इतना खर्चा चाहिए। तो संभालेंगे ना इंशाल्लाह, इनके सारी के साथ और कनात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। आखिरी चीज़, तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ले जैसे लोग जो इस मनसब पर फ़ाइज़ हैं, उन्होंने इस नसीहत को कबूल करने और एतराज़ करने में इंसाफ़ किया। हमको चाहिए कि हम तो इन तमाम चीज़ों से बचें, क्योंकि हमारे लिए ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरे वाली हैं, और ये चीज़ अल्लाह ताला के खौफ और खशियत से बईद है, जबकि उलमाए रब्बानीयीन का खासा खशियत ही है। अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं उनका खासा यानी उनकी खासियत है कि वो अल्लाह का खौफ रखते हैं, और इस वजह से भी वो इनकसारी के साथ और कनात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक एक चैप्टर है, कनात के साथ ज़िंदगी गुजारना, इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह का खौफ हमारा टॉपिक था, तो अल्लाह के खौफ के तहत ये चीज़ आ जाती है। अल्लाह ताला ने तुमको माल दिया, अभी अल्लाह के खौफ में और कनात में क्या कनेक्शन है? अल्लाह ताला का खौफ जो शख्स रखता है तो वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें जो होती है ना, वो खौफ के साथ उसको लेता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शख्स नया नया किसी, मिसाल है ध्यान से सुनो, कोई शख्स नया नया किसी एक काम पर लगा है और उसके मालिक ने उसको 10,000 रुपये दिए कि ये 10,000 रुपये रखो, एक हफ्ते में जो कुछ खर्चा होगा उसको हिसाब देना है। नया नया काम पर लगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, नया नया काम पर लगा, वो 10,000 का हिसाब देने के लिए कैसा स्ट्रिक्ट रहता है कि ज़रा अब भी गड़बड़ नहीं होनी तो काम से निकाल देगा। अभी नया नया लगा हूँ, मेरे बारे में इसको कुछ पता ही नहीं, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो सोचता है कि मैंने अगर ये 10,000 का हिसाब अच्छे से दिया तो आगे और आएंगे, है ना। तो वो किस तरीके खशियत के साथ उसको करता है। तो बिला तमसील अल्लाह तबारक ताला ने जो हमको दिया है वो तुम्हारे बाप का नहीं है, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई अता है, तो उसको संभाल कर खर्चा करना ये हमारा काम, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो उसको जब संभाल के खर्चा करोगे तो ये उसका शुक्र अदा करना है, और जब कोई शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को संभाल कर खर्चा करता है और शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को और बढ़ा देता है। और बढ़ाओगे तो क्या काम आएगा, हम जो दुआ नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह तबारक ताला किसी का मोहताज ना बनाना, तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे बल्कि तुम्हारे पास कोई मोहताज आएगा तो लेकर जाएगा इंशाल्लाह, है ना। रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, है ना, वो एक रहीम का दोहा है, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, यानी अल्लाह इतना दे कि जिसमें मेरा कुटुम चल जाए, परिवार चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मांगने वाला भी भूखा ना जाए, है ना। तो इस तरीके से यानी मैं भी भूखा ना रहूं और मांगने वाला भी भूखा ना जाए, तो इस तरीके की सोच रखें। देखो ये गैर ये रहीम तो जो थे वो तो वो मुसलमान ही थे, ये पहले के लोग भी इस तरीके की सोच रखा करते थे जो दीन से ताल्लुक हो या ना हो। तो आखिरी चीज़ है, ध्यान से सुन लें, और खशियत की खासियत ये है यानी अल्लाह के खौफ की खासियत ये है कि वो उस जगह से भी दूर रखती है जहाँ खतरात का खदशा हो। वो ठंडे ठंडे हो गए आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना,
जो खशियत है ना उसकी मीनिंग क्या है कि जो इंसान अल्लाह का खौफ रखता है वो ऐसी चीज़ों से भी डरता है कि जिसमें ज़रा सा भी नुकसान हो सकता है। जेब में पैसे लेकर जब हम बाहर निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ से अब्बा ने बोला 10,000 रुपये ले जाओ और मुंबई में अपने चाचा को देकर आना, तो यहाँ से निकलते हो रिक्शे में बैठे हो, तो रिक्शे में अगर हम राइट साइड में बैठे हैं तो राइट साइड वाली जेब में 10,000 रखते हैं कि लेफ्ट साइड में रखूँगा, बाजू में कोई बैठा है निकाल नहीं दे, है ना। फिर जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में चढ़ते हैं तो एक हाथ जेब में ही रखते हैं कि पैसा जेब में हाथ में ही रहे कि इसको कोई निकाल नहीं ले, करते क्या नहीं करते। फिर वहाँ से उतरते हैं तो ऊपर से चेक करते हैं है क्या नहीं 10,000 रुपये, किसी ने निकाल तो नहीं लिया, यानी ट्रेन से उतरने के बाद चेक करते हैं। तो खशियत जब इंसान को होती है तो क्या रिक्शे में ये पैसे को लेफ्ट जेब में रखना हराम है? लेकिन क्यों नहीं रखते? क्योंकि एहतियात है, है ना। फिर ट्रेन के अंदर हाथ दोनों ऊपर करके रहना क्या हराम है? लेकिन एक हाथ जेब में रखते हैं, क्यों? कोई कहेगा क्या फ़र्ज़ है क्या? मैं नहीं रखता हाथ, फ़र्ज़ है क्या? फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नोट का यानी यही क्या कहते हैं तकाजा यही है, नोट का तकाजा ये है कि हाथ अंदर ही रखा जाए समझ रहे हैं। तो उलमाए आखिरत की अलामत में से है कि एक अलामत ये है कि वो हुक्मरानों से दूर रहते हैं, ये भी एक चीज़ आई, ये ध्यान रखो, अमीर दोस्तों से दूर हो। जो बहुत ऐश इशरत करने का शौकीन है और जिनके घरों के अंदर बहुत डेकोरेशन और बहुत स्टाइल में ज़िंदगी जीते ना, उनके यहाँ आना जाना बंद कर दो, नहीं तो उनके घर जब जब जाओगे तो उनकी चकमक देखकर और उनके बर्थडे पार्टीज़ देखकर तुमको भी वैसा बर्थडे मनाने का शौक़ पैदा होगा, समझ में आया। तो ये सब चीज़ कम करेंगे ना इंशाल्लाह, बर्थडे पार्टी वगैरह भी मत मनाओ, क्या ज़रूरत है ना। खाने पीने का तक ठीक है, लेकिन ना ज़रूरत से ज़्यादा ये भी फजूल खर्ची हुई या नहीं। जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है उस दिन घर में मिलाद रख दो, है ना, मिलाद रखो, यानी वो तरीके से मत मनाओ जैसे लोग करते हैं। आप जो है बर्थडे के दिन जो है अपने घर में मिलाद रख दो, घर वाले भी सुने, आप भी सुने, उसके बाद लोगों को खाना खिला दो, और खाना नहीं तो जैसे आप जो भी चीज़ खाने के लिए लाते हैं सबको बांट दो, ख़त्म हो गई, मिठाई बांट दो, केक पर ही फातिहा पढ़ दो, है ना, केक पर फातिहा भी, जब इतनी मिलाद होगी तो केक बड़ा लाना पड़ेगा, है ना, तो बाकी जो डेकोरेशन का खर्चा है वो बच जाएगा, उसको केक में डाल देना, है ना। तो हुक्मरानों से और अमीर लोगों से दूर रहें, ये सब अमल करने वाली बात है, ठीक है ना। और जब तक इनसे फरार का रास्ता मिलता है उनके पास हरगिज़ ना जाएं, जब तक मजबूरन उनके पास ना जाना पड़े तब तक ऐसे लोगों के पास ना जाएं, बल्कि उनके साथ मेल जोल से बचा जाए, अगरचे वो उसके पास जाएं, यानी भले से वो इन किसके पास आए लेकिन तुम उसके पास मत जाओ, क्योंकि दुनिया मीठी और तरोताज़ा है और इसकी लगाम बादशाहों के हाथ में है। मीठी और तरोताज़ा है दुनिया, इसकी लगाम जो है बादशाहों के हाथ है, और जो आदमी इनसे मेल जोल रखता है वो उनकी खुशनुदी हासिल करने और उनके दिल को अपनी तरफ मायल करने के सिलसिले में तकल्लुफ़ से खाली नहीं रहता, हालांकि वो आम तौर पर जालिम होते हैं। लिहाजा हर दीनदार पर लाजिम है कि उनसे उन पर एतराज़ करे और उनके मजालिम को जाहिर करके उनके दिल को तंग करे और उनके अमल की बुराई बयान करे, समझ में आया। ये हमारे अभी हम तो किसी हुक्मरान के ज़माने में है ही नहीं, हम हुक्मरानों से दूर नहीं रहेंगे, किससे? अमीर लोगों से दूर रहेंगे। तो जो आपके दोस्त अहबाब और जो आपके रिश्तेदार जो अमीर अंदाज में रहते हैं उनकी इस अमीराना अंदाज की उनको बुराई करके सुनाओ, ये इमाम गजाली ने आपको हुक्म दिया है। अगर आप इमाम गजाली के अपने आप को फ़ैन कहते हो, उनका आशिक कहते हो, उनका मुरीद समझते हो, या अपने आप को उनका चाहने वाला कहते हो, तो इमाम गजाली ये तुम्हारे लिए कह रहे हैं, अगर आप इमाम गजाली के स्टूडेंट हैं तो। क्या जिन ऐसे लोगों के पास तुम जाओ जो ज़िंदगी बड़ी यानी ऐशो इशरत के साथ जीते हैं, तो उनको उनकी इस बुराई के बारे में बताओ कि इतने महंगे कपड़े इस्तेमाल मत करो, इतना महंगा अंदाज़े ज़िंदगी इख्तियार ना करो, बताओ उनको, बोलो उनको। लेकिन जो शख्स उनके पास जाता है वो या तो उनके बनाओ सिंगार को देखता है और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर समझने लगता है। जब तुम उनकी ऐशो इशरत देखोगे तो तुमको अपना सब कम नज़र आने लगेगा, तो तुम नाशुक्रापन करोगे या उन पर तनकीद करने से खामोश हो जाओगे, कम से कम इस बुराई में तुम मुब्तला होगे, यानी तुम कहोगे जान दो वो कर रहे हैं ना, हमको क्या करना है। तो तुम अगर गलत चीज़ को देखकर उसको अगर मना नहीं करते तो ये भी गलत है, लिहाजा वो मुनाफिकत का मुर्तकिब हो जाता है।
ये इसको मुनाफिकत कहा गया है, याद रहेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए रुक गया। ये मुनाफिकत है, बुराई को देखकर उसकी बुराई पर एतराज़ ना करना, ये क्या है? मुनाफिकत है। अल्लाह अकबर। मुनाफिकत क्या है? ये ईमान की, मोमिन की ज़िद है। एक होता है मुसलमान, एक होता है मुनाफिक। तो मुसलमान का ऑपोजिट है काफिर, और काफिर से भी बदतर है मुनाफिक। तो हमको चाहिए कि हम अगर ऐसे लोगों के, लेकिन उसको घुमा के कहाँ लाते हैं हम लोग? बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना, यानी तनकीदी अंदाज में, तनकीदी, बहुत अच्छा कपड़ा है, इस तरीके से शुरू करो और खुद ही समझ जाता है सामने वाला कि अब सुनने के लिए मिलने वाला है। ऐसा करो, ये आदत बनाएंगे इंशाल्लाह। इससे क्या होगा, वो अमल करे ना करे, तुम्हारे अंदर ये चीज़ बचेगी। और एक बात, अगर आप हमेशा हर किसी को ऐसी बातें बोलते रहेंगे, फिर आपके दिल में खौफ हो जाएगा, जब अगर मैंने किया तो ये सब पकड़ के मारेंगे, तो कम से कम तुम बचोगे या नहीं? ये अच्छा अंदाज है, करेंगे ना इंशाल्लाह। कहते हैं, और ये वाजे झूठ होगा कि अगर कोई शख्स लोगों की तहसीन करता है बावजूद इसके कि जानता है कि ऐशो इशरत जो है अच्छी बात नहीं है, या उससे लालच होगी कि बादशाहों की दुनिया से कुछ हासिल कर ले, और ये हराम है। हलाल और हराम के बयान में इंशाल्लाह ये सब कुछ आएगा कि बादशाहों से क्या लेना जायज़ है और कौन कौन सी चीज़ और इनामात लेना नाजायज़ है, ये भी आएगा इंशाल्लाह। खुलासा कलाम ये है कि उनके साथ मेलजोल बुराइयों की चाबी है। अमीर लोगों के साथ मेलजोल, अमीर दोस्तों से दोस्ती करना, ये बुराइयों की चाबी है। और उलमाए आखिरत का तरीका जो है वो एहतियात ही है। आखिरी हदीस पर ख़त्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स देहात में रिहाइश रखता है, सुभान अल्लाह, जो शख्स देहात में, गांव में रिहाइश रखता है, उसने जुल्म किया, जिसने शिकार का पीछा किया वो गाफिल हुआ, और जो शख्स बादशाह के पास गया वो फितने में मुब्तिला हुआ। नहीं समझ में आया? सुनो, जो शख्स देहात में रिहाइश रखता है, उसने जुल्म किया, जिसने शिकार का पीछा किया वो गाफिल हुआ, और जो शख्स बादशाह के पास गया वो फितने में मुब्तिला हुआ। तो ये लास्ट वाला जो है हमारा टॉपिक है कि जो बादशाह के पास गया वो फितने में मुब्तिला हुआ। जो बाकी दो ऊपर के हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें से एक है, समझ लो, एक मेरी भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। सुनो क्या है कि शिकार का जिसने पीछा किया वो गाफिल हुआ। हर कोई तो शिकार के चक्कर में, अभी तो शिकार है ही नहीं, हम लोग में से कितने लोग हैं जो चूहे का शिकार करते हैं? कोई भी नहीं, यानी शिकार करने तो हम जाते नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ चीज़ों के हुसूल के लिए हम परेशान रहते हैं, तो ये भी शिकार करना हुआ। और जो शख्स इस तरीके से दुनियावी चीज़ों की दर पर रहता है, तो ऐसा शख्स अपने दीन से गाफिल हो जाता है ना। और ये जो पहला था, जो शख्स देहात में रिहाइश रखता है उसने जुल्म किया, इसका मतलब मेरी भी समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे इसको समझने की इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नालेन मुक़द्दस के सदके तुफ़ैल इल्म आखिरत हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हमें औलिया इकराम की इन प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कनाअत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना। मेरे मौला हमारे दिलों में अपना खौफ अता फरमा। मेरे मौला हमें दुनिया से बेरगबत फरमा। मेरे मौला हमें दुनिया की मोहब्बत से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला अमीर और अय्याश लोगों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। अमीर दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर देने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। मेरे मौला इन तमाम चीज़ों के हासिल करने के जो असबाब हैं मेरे मौला, वो असबाब हमारी ज़िंदगी में पैदा फरमा, उन असबाब के ज़रिए हमें इन चीज़ों तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।